नमस्कार। किसी भी विज्ञापन का आना, उसमें किसी बॉलीवुड सितारे का होना और फिर उसकी आलोचना होना, अब ये आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ही ये सब अब किया जाने लगा है। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, मतलब चाहे विवाद ही हो, कम से कम चर्चा तो होगी। चर्चा होगी तो प्रसिद्धि तो मिलेगी ही, बस यही चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर बॉलीवुड पर हिंदुओं और हिंदू त्योहारों को टारगेट करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई ऐसा एड बनाना होता है तो मुस्लिम एक्टर को कास्ट कर लिया जाता है और शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम का खेल। अभी आलिया भट्ट का मानेवर वाला बवाल थमा भी नहीं था कि लीजिए, अब आमिर ले आए हैं सीएट टायर का एड, जिसमें दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने का संदेश दिया गया है। अब वैसे भले ही देश में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील की जाती हो, भले ही पटाखे ना फोड़ने का संकल्प लिया जाता हो, लेकिन अगर यही बात आपसे किसी मुस्लिम ने कह दी तो फिर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर देने वाली खबरें सामने आने लगती हैं। अब इस बवाल में आमिर खान फंसे। दरअसल आमिर ने हाल ही में सीएट टायर का ऐड किया। इस ऐड में आमिर दिवाली पर सड़कों पर पटाखे ना चलाने की अपील कर रहे हैं। आमिर खान की इस अपील से नाराज लोगों ने एक्टर को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट हिंदू फोबिक सीएट ट्रेंड हो रहा है। इसको लेकर लोग न सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि नमाज पढ़ने पर भी सवाल उठा रहे हैं। एड में दिखाया गया है कि आमिर बच्चों से कह रहे हैं कि रोड गाड़ी चलाने के लिए है, रॉकेट जलाने के लिए नहीं। इस पर सभी बच्चे आमिर को सल्यूट करते हैं। बस इसी को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। एक यूजर ने लिखा, सड़क पटाखों के लिए या शादी में डांस करने के लिए नहीं है, जो साल में एक बार होता है, लेकिन रोज साल के 365 दिन 5 बार सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए है। सीएट टायर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, आमिर खान और सीएट को लगता है कि रोड दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन सड़क पर होने वाली बाकी गतिविधियों के बारे में उनका कुछ कहना नहीं है। क्या सड़क नमाज पढ़ने के लिए है आमिर खान? पहले मानेवर और अब सीएट टायर, इनको इनकी जगह दिखाओ। हैशटैग बॉयकॉट हिंदू फोबिक सीएट। तो देखा आपने, कुछ इसी तरीके से आमिर को ट्रोल किया जा रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर